इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सर्कुलर सिलेंडर है, हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है और एरिया इसका दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया यानी CSA 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें डायमीटर निकालना है। डायमीटर मतलब जो बेस का डबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये हमारा होता है 2πRh, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है हमें, 88 कर्व सरफेस एरिया, वैल्यूज पुट अप करेंगे 2 × 22/7 × r, रेडियस हमें निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट दी हुई हमें 40, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 7 × 1 = 7 × 2, ठीक है। तो ये 88 इधर ही रहेगा, 2 × 4, 4 × 8, 4 × 8, 88 r यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 7 × 2 = 14 हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 8, 4 × 8, 88 इधर आएगा और 88 ही इधर दिया हुआ था। तो रेडियस हमारी क्या निकल कर आई, रेडियस हमारी निकल कर आई 88/88, 1/1, यानी कि रेडियस आ गई 1 सेंटीमीटर, ये 1 निकल कर आ गई। अब हमें निकालना क्या है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 × रेडियस, रेडियस क्या निकल कर आई है 1, तो डायमीटर विल बी 2 सेंटीमीटर। तो यही हमारा जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर जो है वो इसका 140 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 1 मीटर है, डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हाइट मीटर में है। फ्रॉम अ मेटल शीट, मेटल शीट से बनाना है क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। हमें शीट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि ये टैंक जो है वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब ऊपर भी रहेगा बंद और नीचे भी बंद रहेगा, तो उसके लिए TSA निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइट जो है वो हमें दी हुई है 1 मीटर, और डायमीटर बेस का जो दिया हुआ है वो हमें 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस हो गई हमारी 140/2 यानी कि 70 सेंटीमीटर। अब इस 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगी 0.7 मीटर, ठीक है। तो अब हमारी रेडियस भी मीटर में हो गई और हाइट भी मीटर में हो गई। अब हम इनकी वैल्यूज पुट अप करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इक्वल टू क्या होता है इसका, 2πRh, 2πRh TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं, 2 × 22/7 × r है हमारी 0.7, ब्रैकेट के अंदर r है हमारी 0.7 प्लस और हाइट है हमारी 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर यहाँ से हम डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ पर 10 लगा देंगे, तो ये हमारा 7 × 1 = 7 और 7 × 1 = 7, ये 7 से 7 कट गया, ठीक है। ये 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10 हो गया, तो हमारे पास ऊपर बचा 21 × 22/5 और ब्रैकेट में आया हमारा 0.7 और 1 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 1.7, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 1.7 से 22 को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 37.4 और अपॉन 5 से इसको रिड्यूस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 बचा 2 = 24, 5 × 4 = 20 एंड 5 × 8 = 40। तो 7.48 मीटर स्क्वायर जो है वो हमें मेटल शीट चाहिए इस क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है।
हमारा मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेटल पाइप है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, अंदर का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो है वो इसकी 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम ये कर लेते हैं कि हाइट इसकी 77 सेंटीमीटर मान ली दी हुई है, और रेडियस जो है वो हो गई हमारी 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इनर, ये वाली। उसके बाद रेडियस जो दूसरी दी हुई है वो 4.4 है, तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आउटर, ये 2.2 आउटर आ गई, ठीक है। इसके बाद जो है हमें निकालना क्या है इसके अंदर, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब सी एस ए ऑफ इनर पार्ट, तो इनर पार्ट का सी एस ए निकलेगा 2πRh2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू रेडियस, इनर वाली क्या थी हमारी 2 मल्टीप्लाइड बाई हेड, हाइट क्या है 77, 7 बन जा 7, 7 11 जा हमारा हो गया ये 44 मल्टीप्लाइड बाई 22, 222 जा 44, 11 2 जा 22 इक्वल टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा जो है वो कर्व सरफेस एरिया निकल कर आ गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो सी एस ए ऑफ आउटर इक्वल टू 2πRh2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 77, 7 बन जा 7, 11 जा मल्टीप्लाई करके आएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 24.2 और इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा सेकंड पार्ट का एरिया आ गया 2πRh के हिसाब से कर्व सरफेस एरिया आउटर वाले का, आउटर सरफेस एरिया। उसके बाद निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा थर्ड पार्ट में कि टी एस ए कैसे निकालेंगे, इसका टी एस ए निकालेंगे, ये रिंग की शेप में बने हुए हैं तो ये दो रिंग के जो है वो एरिए भी साथ में ऐड होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी एस ए ऑफ इनर प्लस सी एस ए ऑफ आउटर प्लस 2πR स्क्वायर। अब ये 2πR स्क्वायर क्यों, क्योंकि सर्किल की शेप में जो है वो ये रिंग बन रहे हैं, कितने मोटे पाइप से ये बना हुआ है, ठीक है। तो दो हैं यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सर्किल का जो एरिया निकलता है वो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2πR स्क्वायर साथ में कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ 2 रिंग्स, ठीक है, ऐसे मान लें आप। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले एरिया ऑफ 2 रिंग्स निकाल लेते हैं बाद में ऐड कर देंगे, तो एरिया ऑफ रिंग्स इक्वल टू 2 × 22/7 × अब रेडियस क्या लेंगे यहाँ की, ये बीच की रेडियस हमें लेनी है, बीच की रेडियस, तो वो हो जाएगी हमारी 2.2 - 2, यानी कि इस 2.2 बाहर तक की है और 2 अंदर तक की है, दोनों को माइनस करके डिफरेंस आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2 × 22/7 × 2.2 में से 2 गया तो बचा 0.2, ठीक है। तो इसको जो है वो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 × 0.2/7, ठीक है, इसको जो है वो करके हमारा आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल आएगा। तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, अब एक इनर का ये वाला, एक आउटर का सरफेस का, आउटर सरफेस का, और एक इसकी मोटाई का, मोटाई का कि कितने मोटे जो है वो मोटा ये पाइप है उसका। अब तीनों को अगर मिला देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। तो टी एस ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम यहीं पर जोड़ देता हूँ आपको मैं, ये टी एस ए इक्वल टू सबसे पहला क्या है हमारा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर 968 प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर 1064.8 और फिर 5.28, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरीके से अब हम इसको ऐड कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए, तो 8 आ गया, ये 10 हो गया,
ये 9, 4, 13, 5, 18 आ गया, ये 6, 6, 12 और 1, 13 हो गया, ये 9 और 1, 10 हो गया, और ये 2 हो गया। तो हमारा आंसर आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया, और तीनों आंसर आपके निकल के आ गए मेटल पाइप के। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है वो एक रोड रोलर है, या रोलर लगा लीजिए, उसकी जो उसका जो डायमीटर है वो 84 है, तो डायमीटर अगर 84 है तो रेडियस 42 हो गई, ठीक है। डायमीटर इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आपकी 42 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस हो गई, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर लिख दी। लेंथ जो है वो इसकी 120 सेंटीमीटर है, लेंथ हो गई 120 सेंटीमीटर गिवन में। 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाता है, मतलब ऐसे 500 चक्कर मारता है और ग्राउंड को लेवल करता है, तो हमें एरिया निकालना है कि ग्राउंड का कितना एरिया ये कवर कर लेता है या लेवल कर लेता है, और एरिया निकालना मीटर स्क्वायर में। तो हमें सेंटीमीटर में पहले डायमेंशंस दी हुई हैं, तो डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल के बाद में मीटर स्क्वायर में कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, तो आपने देखा होगा जब रोलर चलता है तो उसकी जो ये साइड्स के जो है वो रोल होते हैं, ये साइड्स के है ना, ये तो जो है वो सरफेस पे आते नहीं है, सरफेस पे आता है सिर्फ उसका ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये और ये वाला, क्यों, क्योंकि गोल ही चीज़ जो है वो ऐसे घूमती है, साइडें जो है वो ज़मीन पे नहीं घूमती हैं, तो इसलिए हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस ए ऑफ रोलर इक्वल टू 2πRH, ठीक है, वैल्यूज पुट अप करेंगे 2 × 22/7 × रेडियस है हमारी 42 मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक है ना। अब ये 120 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगी इसकी हाइट, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी 120, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 × 7, 7, 7, 6, 42, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 44 मल्टीप्लाइड बाई 720, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 44 × 720 आ जाएगा हमारा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया रोलर का निकल कर आया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में करेंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर में करने के लिए हम क्या करेंगे, 31680 डिवाइडेड बाई 100 × 100, ठीक है भाई, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और अगर मीटर स्क्वायर करें तो 100 × 100 हो जाएगा, ये आपको मालूम ही है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम इसको 100, तो यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 4 डेसिमल लगा देंगे, 3.168 मीटर स्क्वायर। अब क्या आंसर आ गया, 3.168 मीटर स्क्वायर। ये एक राउंड है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि हमने इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया है, जब ये एक राउंड चलेगा तो ये इतने मीटर जगह जो है वो लेवल करेगा एक राउंड में, लेकिन एक रिवॉल्यूशन में, लेकिन टोटल रिवॉल्यूशन उसने कितने मारे हैं यहाँ पर 500, ठीक है। तो अगर एक का रिवॉल्यूशन में ये इतना ग्राउंड लेवल करेगा तो 500 में कितना करेगा, तो हम 3.168 को 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर निकल के आएगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू बी लेवल, जो वो लेवल करेगा 500 रिवॉल्यूशन के अंदर, वो हो जाएगा 3.168 मल्टीप्लाइड बाई 500, और वो आंसर आएगा हमारा 1584 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 3.168 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1584 मीटर स्क्वायर आएगा, तो मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया, और 500 रिवॉल्यूशन के अंदर चक्कर के अंदर उसने कितना ग्राउंड लेवल करा ये आ गया, एक का हमने जो है वो
3.168 मीटर स्क्वायर निकाल लिया, पहले सेंटीमीटर में निकाला, फिर 100 × 100 स्लो से डिवाइड कर दिया। हाइट उसकी जो है वो हमने 120 मान ली जो दी हुई थी, 84 डायमीटर था, तो उसको 2 से डिवाइड करके रेडियस 42 सेंटीमीटर कर लिया। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।